तीन ऐसे कारण जिनकी वजह से WWE में द ब्लड लाइन की स्टोरी अब धीरे धीरे बोरिंग होती जा रही है। गाइस बात करें आखिर ब्लड लाइन इस समय क्यों बोरिंग होती जा रही है, और क्या ऐसा भी होने वाला है कि ब्लड लाइन की स्टोरी अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। तो आखिर क्या कारण जिनकी वजह से ब्लड लाइन की स्टोरी काफी बोरिंग हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, इस वीडियो में बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज आता रहता है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लो। गाइस ब्लड लाइन की स्टोरी काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी, फैंस काफी बोर होते हुए नजर आ रहे हैं ब्लड लाइन। गाइस जैसा कि आप जानते हैं इस बार रसोमीना, केविन ओवेन और सेमी जेन मिलकर तो ब्लड लाइन को पूरी तरह से खत्म कर दिए, के बाद से ब्लड लाइन को काफी बोरिंग बना दिया गया है। क्या कारण जिनकी वजह से ब्लड लाइन काफी बोरिंग बन गई है, पहला कारण यू है कि रसोमीना 39 के बाद ब्लड लाइन को कोई दिशा न मिली। ब्लड लाइन से दुश्मनी सेमी जेन और केविन ओवेन महीनों से चल रहा है, 39 तक WWE ने काफी अच्छी तरीके से बिल्ड किया और सेमी जेन 200 को हराकर जो कि 600 दिन चैंपियन थे रसोमीना में हराकर टाइटल डिफेंड कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि इनके बीच फ्यूड यहीं समाप्त हो जाएगा, WWE वालों ने बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि इनको WWE की तरह से दिशा ही नहीं मिल रहा, आखिर क्या करना है आगे। ब्लड लाइन का बोरिंग होने का दूसरा कारण यह है कि सेगमेंट और मैचेस का लगातार रिपीट होना। मिजेन और केविन ऑन द उसो से कई बार फाइट कर चुके हैं, फिर भी उनके साथ सोलो सिकोवा के साथ इस बार मैच हुआ। उसो और केविन ऑन के साथ कई बार फाइट हो चुका है, फिर भी यही फाइट रिपीट बार बार हो रहा है। ऐसे फैन काफी बोर हो रहे हैं इस मैच को देख कर, बार बार इन मैचों को बुक करने के लिए काफी बोरिंग हो रहा है फैंस के लिए। सेगमेंट में भी वही बातें हो रही है जो की पहले हो चुका है, इसकी तरह चीटिंग करना ब्लड लाइन का पड़ा हरदम भारी रहता है। उसो और सोलो सिकोवा दोनों मिलकर बेबी फेस स्टार पर हमला करते हैं, ये चीज बार बार देखना काफी ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है WWE में। आगे बढ़ते हैं और अगला कारण है WWE का बोरिंग होना, तो ब्लड लाइन के साथ देखना काफी समय हो चुका है, वजह से फैंस को काफी कम रुचि हो गई है ब्लड लाइन को देख। रॉमन रेंज जब भी WWE में आते हैं सबका ध्यान उन्हीं के ऊपर होता है, ब्लड लाइन स्टोरी के वे अहम किरदार थे या फिर कह लो कि ग्रुप लीडर थे, लेकिन वे इस मौके पर काफी कम नजर आते दिखाई देते। इसी वजह से WWE वालों ने रॉमन रेंज और उसो का स्टोरी लाइन होल्ड कर दिया है, फैंस का ज्यादातर नजर ब्लड लाइन में रॉमन रेंज के ही ऊपर होता था। कुछ रीजन थे जिसकी वजह से ब्लड लाइन काफी बोर हो चुका है, इसी समय ब्लड लाइन को देखना काफी कम पसंद करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।